स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट की कहानी को आगे। अब हमारा जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो लास्ट जॉब है वो है होम पेज का। अब और सबको इंटीग्रेट करेंगे, अब सारे फ्रेम इंटीग्रेट होंगे और होम से कॉल होंगे। और होम पे क्या होगा, उसका रोज का काम क्या है? रोज व्हीकल तो नहीं खरीद रहा ना भाई, रोज ड्राइवर थोड़ा हायर कर रहा है। तो वो बस रोज उसका काम ये होता है कि भाई ये व्हीकल है, इस पे कौन ड्राइवर आज जो है ऑपरेट करेगा, और ये व्हीकल आज कहाँ जाने वाला है। तो यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू वो ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि उसका व्हीकल आज इस डेट को कहाँ जा रहा है, आज कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ गया, उसको साइड में दिखता रहेगा। तो यहाँ दिखेगा कि उसका व्हीकल कौन कब कौन कहाँ गया था, ठीक है, और यहाँ से उसे ऐड करा करेगा और उस व्हीकल को बाय डिफॉल्ट जो ड्राइवर का नाम सेट है वो रहेगा। अगर किसी व्हीकल का ड्राइवर बदलता है तो उसका फॉर्म फिर हमें अलग बनाना पड़ेगा बेटा, यहीं पे बनाना पड़ेगा चेंज ड्राइवर करके ना, क्योंकि होम पे तो सही नहीं लग रहा है। ऐसा ही है, या तो मैं व्हीकल के ड्राइवर को अपडेट करने का ऑप्शन रखना पड़ेगा ना कि मैं अपडेट करूँ, तो वो होम पे रखूँ या व्हीकल वाले फ्रेम पे रखूँ। देखिए होम पे वो रखना है जो रोज होना है, जो बहुत नॉर्मल है, मतलब ऑब्वियस बात है ना, आपके होम पेज में क्या आना चाहिए, आपके जो काम है वो होना चाहिए। बाकी अलग अलग काम के फॉर्म बना रखे हम। व्हीकल का ड्राइवर अपडेट करने का या तो नया फ्रेम बना लो या फिर व्हीकल वाले फ्रेम में एक ऑप्शन डाल दो। तो व्हीकल वाले फ्रेम को मैं फिर थोड़ा छोटा ऐसे यहाँ से टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पे जगह है मेरे पास, इधर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डाल दूंगा कि भैया अगर आपको व्हीकल का ड्राइवर बदलने का मन है, नया व्हीकल नहीं है, पुराने व्हीकल का ड्राइवर अपडेट करना है बस, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये वाली टेबल बता रिफ्रेश कर देगी, बता देगा अभी ये ड्राइवर चल रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा सर, मैंने यहाँ पे सीधे एक पैनल उठाया और इस जगह में यहाँ पे पैनल ड्रॉप कर दिया। इस पैनल का जो कलर है वो मैंने थोड़ा ग्रेइश टाइप का करा है। अब इस पैनल में मुझे यहाँ पर चाहिए अपडेट ड्राइवर का एक लेबल, तो यहाँ पे लिख देंगे अपडेट ड्राइवर टू व्हीकल, है ना, और यहाँ पर इस तरीके से ये कॉपी करके इधर पेस्ट करो। तो सबसे पहले तो यहाँ आएगा व्हीकल का नाम, व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर आ गए। फिर यहाँ पे ड्राइवर आ जाएंगे सारे जो उस समय अवेलेबल हैं। तो यहाँ के व्हीकल नंबर, यहाँ सारे ड्राइवर, कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स चेक बॉक्स नहीं है, कॉम्बो बॉक्स है। और यहाँ पे आ जाएगा एक बटन, इसमें लिखा होगा अपडेट। ठीक, तो इस वाले फील्ड का नाम क्या है, इसका नाम कर दिया मैंने वी, व्हीकल के लिए, और ड्राइवर के लिए इसका नाम कर दिया मैंने डीडी, ऐसा कुछ भी डीडी, डी इसका नाम था ना। अब जो इस पे कोड है वो तो इस पे सेम रहेगा, क्योंकि ड्राइवर का जो नाम फोन नंबर यहाँ आ जाएगा, व्हीकल नंबर का कोड अलग से करना पड़ेगा। फिर अपडेट का करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में आ जाओ भाई। अब जब फ्रेम खुलेगा तो यहाँ आना चाहिए ना लिस्ट, यहाँ पे कुछ लिस्ट आनी चाहिए ना, तो जो ये लिस्ट आ रही है सेम यहाँ आनी है डिट्टो, तो वो तो सेम ही हो गया। इनफैक्ट मैं दो बार कोड भी नहीं करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, गेट ऑल ड्राइवर्स में जैसे डी पे ऐड करा था ना, सेम चीज़ डी डी पे भी कर दो। तो अगर एक वैल्यू आ गई है तो दो जगह डाली जा सकती है। तो ड्राइवर वाला तो हो गया सर पीछे वाला, इजी। ठीक, अब यहां पे वैल्यू कैसे आएगी सर, सिंपल है, गेट ऑल, गेट ऑल व्हीकल्स, टेबल का नाम है व्हीकल, क्या चाहिए केवल व्हीकल का नंबर और कुछ नहीं चाहिए, V है उसका नाम, V, V.add item।
व्हीकल के नंबर आ रहे हैं सारे सर। एक ही व्हीकल ऐड हुआ है सर, एक व्हीकल और ऐड कर दूं, एक व्हीकल ऐड कर रहा हूं, लाइक मान लीजिए डीएल, डीएल 06 यूजे, ये उसका नाम है, और इससे चलाएंगे ललित सिंह, दो बहुत है, दो से पता चल जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड व्हीकल आ गए, तो डिज़ाइन में हल्का सा चेंज करना है, क्योंकि जो फ्रेम बढ़ता है तो ये बटन नहीं बढ़ने चाहिए थे, ऐसे सही है। अब बस इस बटन पे कोड करो, इस व्हीकल पे ये वाला डिटेल ऐड करना है, अपडेट करना है मतलब। तो जैसे क्या बोलेंगे इसको, वही अपडेट ड्राइवर टू व्हीकल। तो सबसे पहले तो इससे वैल्यू निकालेंगे, फिर इससे, इसका नाम वी है, इसका नाम डीडी है, तो वी डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम, व्हीकल का नंबर आ गया। अब वो डीडी से वैल्यू गेट कर लो सेलेक्टेड आइटम, वो एस में आ गया, एस को टोकनाइज करके अपन ने ड्राइवर का नाम फोन नंबर निकाल ली जो अपडेट होना है, और फिर यहाँ पर क्वेरी फायर करी अपडेट व्हीकल, अपडेट व्हीकल सेट, सेट क्या अपडेट करना है, ड्राइवर का नाम इज इक्वल टू सिंगल कोट, ड्राइवर का फोन नंबर इज इक्वल टू सिंगल कोट, वेयर v underscore number is equal to single quote, अपडेट करो व्हीकल को, ड्राइवर का नाम ऊपर है ना हमारे पास वेरिएबल में, इसमें d underscore name में, यहाँ पे d phone है वेरिएबल का नाम, और इधर आ जाता है v अंडरस्कोर नंबर। तो इस व्हीकल नंबर पे ये एंट्रीज अपडेट हो जाएंगी, अपडेटेड सक्सेस का मैसेज भी आएगा, लेट्स चेक इट आउट। इसको कर दिए कौन है, राम गुप्ता ना इसका, इसको कर दिए ललित सिंह अपडेट, ओके करोगे तब आएगा ना, उसके बाद है ओके, हो रहा है सर बढ़िया। तो अब आपके काम, अब आते हैं होम पे, होम का काम अब जो है सिंपली यही है कि एक तो सारे फ्रेम इंटीग्रेट होंगे इसमें, उन सबको हम लोग यहाँ पर लिंक करेंगे, मेन्यू बनाएंगे एक, और दूसरा इसका जो मेन जॉब है फ्रेम इस में होम का, वो ये है कि अब आज जो है आपका ट्रक या जो भी आपका ट्रांजिट है वो व्हीकल जो है वो आज कहाँ जाएगा, उसका आज का कहाँ जाना है, तो वो हमने लिखना, और साइड में उसे व्यू करने का ऑप्शन रखेंगे कि भाई आपके जो है ये सब ट्रक्स हैं कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कहाँ गया हुआ है इस समय, इतना रखेंगे बस। और एक बढ़िया व्हीकल मैनेजमेंट टाइप का हमारा एक एप्लीकेशन बन जाएगा ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। तो अब क्या है, डिसाइड करा है कि हम एक टेबल बनाएंगे नई, जिस टेबल में ये रिकॉर्ड होगा कि कौन व्हीकल, कौन ड्राइवर, उसका क्या फ़ोन नंबर है, किस डेट को कहाँ लेके गया, ये इसकी टेबल बनेगी। तो मैंने एक नई टेबल बनाई, टेबल का नाम रखा क्या, रखते टेबल का नाम, इस टेबल का जॉब क्या है, द जॉब ऑफ दिस टेबल इज टू होल्ड द रिकॉर्ड्स वेयर दैट द व्हीकल इज ट्रेवलिंग, मतलब मेनली इस फॉर्म का काम ये, इस टेबल का काम है कि वो रिकॉर्ड स्टोर करेगा कि हमारा जो व्हीकल है वो कहाँ जा रहा है, तो उसको हम लोग शेड्यूल बोल सकते हैं, स्केड्यूल रूट्स डाल देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर आएगा सबसे पहले इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंट आएगा सर, मतलब अपने आप एक वैल्यू बढ़ेगी, जितने भी गाड़ी जिस जिस रूट पर जाएगी तो अपने आप यहाँ पे काउंटर बढ़ेगा, तो दैट इज आईडी, रूट आईडी, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर आ गया, ड्राइवर का नाम यहाँ पर रख देते हैं, ड्राइवर का फोन नंबर,
और यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवलिंग डेट, मतलब किस डेट को ट्रैवल किया है। अच्छा इसका हम रूट की जगह देना ट्रैवल इंफॉर्मेशन, ट्रैवल अंडरस्कोर इन्फो, ट्रैवल इन्फो, ट्रैवल इन्फो, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा डेट, ट्रैवल डेट, तो मैंने इसको बोल दिया ट्रैवल अंडरस्कोर डेट। प्लेस में आ जाएगा कहाँ गई है गाड़ी, प्लेस। तो प्लेस तो एक वेरकर वैल्यू रहेगी, लेकिन जो डेट वाला है वो रहेगा एक डेट एंट्री, वो करंट कंप्यूटर से अपने आप ले लेगा। ड्राइवर का फोन नंबर, ड्राइवर का नाम, व्हीकल नंबर और आईडी, ये रहेंगे कॉलम्स। व्हीकल का, ड्राइवर का फोन नंबर 15 बहुत है, नाम के लिए आप 50 लिख सकते हो, वैसे 45 भी ठीक रहता है। ऑटो इंक्रीमेंट पे टिक करना ना भूलें, अगर आप आईडी ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं कि हर बार बढ़ेगी, क्योंकि प्राइमरी की इस बार व्हीकल नंबर नहीं होगा, क्योंकि एक व्हीकल चार जगह जा सकता है, तो आईडी प्राइमरी की होगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी, तो एआई पे टिक करना ना भूलें। अप्लाई एंड फिनिश। अब होम वाले फ्रेम में इसी टेबल पे काम होना है, क्या काम होना है, यहां पर एक फॉर्म बनेगा, तो लेट्स हैव इट, यहां एक फॉर्म बनाएंगे, तो मैंने यहां एक लेबल बनाया और यहां पे लिख दिया ट्रैवलिंग, और फिर एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कर लेते हैं, एक पैनल डाल लेते हैं, इन दोनों को इस पैनल के अंदर डाल लेते हैं और इस पैनल का थोड़ा कलर डाल देते हैं। बढ़िया सर, चंगा। तो ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टल एलिमेंट 7। अब यहां पर आ जाएगा व्हीकल नंबर, और वो व्हीकल नंबर आएगा डेटाबेस। तो यहां पे क्या लगेगा, कॉम्बो बॉक्स, मॉडल को कर लो खाली ये, और इसका नाम हो गया वी, भाई ये व्हीकल है, और ये कहाँ ट्रैवल करेगा, उससे पहले ड्राइवर, वही ड्राइवर का इंफॉर्मेशन आएगा, इसका नाम हो गया डी, भाई इसमें ड्राइवर की इंफॉर्मेशन हो जाएगी, ये व्हीकल होगा, ये ड्राइवर चलाएगा, और कहाँ ट्रैवल होगा वो आएगा, तो ये जगह प्लेस। बाकी डेट आएगी करंट कंप्यूटर से, मतलब कंप्यूटर की करंट डेट गेट करेंगे, जो कंप्यूटर की करंट डेट है वो अपने आप गेट हो जाएगी। अब प्लेस तो बेस बात है, एक टेक्स्ट फील्ड है ऐसे, तो ये हो गया प्लेस वाला पी। क्या क्या था भाई, व्हीकल नंबर, ड्राइवर, फोन, ट्रैवल डेट, ट्रैवल डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, प्लेस आ गया, हो गया सर। अब यहाँ पर एक बटन होगा जिसमें लिखा होगा सबमिट, अब वो इसमें असाइन हो गया कि वो वहाँ जा रहा है, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट करके सेम हाइट दिया। अब इस बटन पे पहले तो इन पे इनमें वैल्यू आ जाए, इनमें वैल्यू लाना आपको आता है सर, अभी व्हीकल में करे थे हम, तो वी में वैल्यू लाने के लिए हम लोगों ने गेट ऑल व्हीकल वाला जो कोड करा था अभी कंस्ट्रक्टर में, वो आ जाए। तो हमें चाहिए ऑल ड्राइवर और ऑल व्हीकल वाला कोड, डिट्टो मैंने कॉपी करा और इसके कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर पेस्ट, तो बस फील्ड के नाम पता लगाओ।
कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना होगा ना। जैसे फ्रेम ओपन होगा ये वाला कोड चल जाएगा। क्या नाम है फील्ड का? डी और वी। हाँ ठीक, रन कराते आपने देखा क्या सर ऐसे आ रहा है, यहाँ सारे व्हीकल आ गए और यहाँ ड्राइवर की लिस्ट है। ये तो पहले भी हो चुका है ना, वही सेम ही कोड लिखे। प्लीज आप बताओगे सबमिट बटन पे इंसर्ट वेरीफाई करूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।